आप लोग आज कोविड-19 में बहुत रख रखाव करते हैं। हेलो, आप लोग इस समय कोविड-19 के टाइम में बहुत रख रखाव करते हैं, सेफ्टी रखते हैं, लेकिन आप सोचिए जो सड़क पर पड़ा है उनका सेफ्टी के बारे में कभी सोचा है? हम बच्चों से जानना चाहते हैं, बच्चे कभी देखते हैं? अभी तो कोविड-19 में इतना कुछ है, बाहर लोग निकलना नहीं, सैनिटाइजर यूज करना है, मास्क यूज करना है, सब जितना पीपीए, अगर आप इसमें काम करते हैं तो पीपीए पहन कर रहना है, सब कुछ है, सब व्यवस्था के साथ, लेकिन इनको कौन सी व्यवस्था दी गई है? इनको कौन केयर करेगा ऐसे बच्चों का? इनको कौन खाना देगा? कौन इनको नहलाएगा? तो ऐसे चीजों पर भी हमको काम करना है, जो कि मैं त्रिपुरा राज्य में मैं हमेशा ये काम करता हूँ। कभी ये छुट्टी नहीं का सैटरडे या संडे, आज ये छुट्टी है, जब भी रहता है मुझे टाइम मिलता है मैं गांव गांव अवेयर करता हूँ, जितना दूर जाकर रिमोट एरिया है, क्योंकि यहाँ जाना भी बड़ा मुश्किल है, यहाँ गाड़ी नहीं मिलता है, सड़कें ठीक नहीं है, बहुत हिली टाइप का रास्ता है। जैसे एकदम हिल में जाएंगे नीचे एकदम खाई है, ऐसे रास्ते पर चलना पड़ता है। मैं ऐसे रास्ते पर जाता हूँ और वहाँ ऑटो आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि आपको मोहन रोड पर ऑटो मिल जाता है, बुद्धेश्वर में ऑटो चढ़ते हैं, आप चले जाते हैं सीआरसी लखनऊ पढ़ने, या आप दीपक सर के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, या शकुंतला मिश्रा चाहते हैं, इस तरह का सुविधाएं आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, हर जगह नहीं, कम है सुविधाएं, बहुत कम है, फोकल एरिया, जैसे अगर तला सिटी में आएंगे तो आपको ऑटो मिल सकता है, लेकिन आप सोचिए कि हम 7 बजे के बाद हम ऑटो खोजे हर जगह, तो हर जगह संभव नहीं, कुछ मेन मेन जगह मिलता है, तो बहुत इन इन रिमोट एरिया में मैं जाकर काम करता हूँ, मुझे खुशी मिलता है, क्योंकि मेन एरिया पर तो सब लोग प्रकाश फैलाता है, मेरा काम है जहाँ अंधेरा है वहां प्रकाश जलाओ, अंधेरों को भगाना है, सबको ज्ञान बांटना है, और गांव गांव में जहां पर भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, पहले तो बताना कि दिव्यांगता क्या होता है, पहले आदमी ये समझे, फिर उसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से कैटेगरी होते हैं, कौन कौन से कैटेगरी होते हैं, ये सबको बताना है, फिर इन बच्चों का राइट्स बताना, जो राइट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016 है उसमें कितना तरह का डिसेबिलिटी है, ये सबको बताना, उसके बाद बताना है कि इन बच्चों में क्षमता होती है, क्षमता देखिए, अक्षमता नहीं देखना है, क्षमता देखना, ये हम स्पेशली ट्रेनीज को बोल रहा हूँ, आप इनका क्षमता देखिए, इनके क्षमता के हिसाब से लेसन प्लान बनाइए, इनके क्षमता के हिसाब से पढ़ाइए, ऐसे बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, जैसे दीपक जायसवाल सर जैसा टीचर हो और नागेश पांडे सर जैसा टीचर हो, तो ऐसे बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, आप लोग ट्रेनिंग देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं देखता हूँ, तो मैं बच्चों को बोलूंगा कि आपका जो सर लोग हैं बहुत एक्सलेंट हैं अपने काम में, मैं भी इनका लेक्चर सुनता था उस समय, क्योंकि दीपक जायसवाल सर मेरे बड़े भाई जैसे हैं, सीनियर हैं, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को आप लोग से मिला और काम करने के मिला, तो इस तरह की समस्याएं जो होती, और बच्चों का जो हेजिटेशन होता है, पहला हेजिटेशन जैसे एडमिशन हो गया, आपको सब्जेक्ट समझना मुश्किल होता है, या आपका उनका लेवल समझना मुश्किल होता है, आप किताबी ज्ञान के अलावा आप प्रैक्टिकल ज्ञान ज्यादा लीजिए, किताबी ज्ञान में आप पढ़ लेंगे व्हाट इज ए विजुअल इंपेयरमेंट, व्हाट इज ए मेंटल रिटार्डेशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आप किताब तो पढ़ सकते हैं, लेकिन किताब के अलावा आप इनके साथ प्रैक्टिकल ज्यादा जोड़ दीजिए, आप देखा होगा आपके कोर्स में जो आरसीआई का कोर्स है उसमें प्रैक्टिकल्स का आवर्स है, ये आवर्स इतने का, ये आवर्स इतने का, आप लोग क्या पूरे पूरे आवर्स देते हैं, पूरे पूरे टाइम देते हैं? प्रैक्टिकल नॉलेज आपको थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, आप जब पढ़ाई कर लेते हैं, आपको किसी स्कूल में अपॉइंटमेंट मिलता है, तो आपको आपको बना बोला जाता है लेसन प्लान बनाइए, आप इन बच्चों को पढ़ाइए, इन बच्चों के साथ बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, अभी हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक पर, जैसा नागेश सर ने हमको दिया है 20 बाधिता के साथ बौद्धिक अक्षम बालकों हेतु शिक्षण भी दिया, इस बात पर हम आते हैं, लेकिन अब इनका जो व्यवहार है ये अपने दृष्टि से देखिए, इनको समझिए, पढ़ाने के पहले अगर हम विजुअल इंपेयरमेंट स्कूल में जाते हैं, हम विजुअल इंपेयर बच्चों को पढ़ाते हैं, या इंटेलेक्चुअली डिसेबल बच्चों को पढ़ाते हैं, या हम हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पहले किताबी ज्ञान के अलावा आपको प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान का बहुत जरूरत है, इनके साथ एक्सपीरियंस रहिए,
जैसे मैं बताऊं, हियरिंग इम्पेयर बच्चों के साथ मुझे साइन लैंग्वेज का, मुझे एक बार सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज में साइन लैंग्वेज के ग्रामर पर काम मिला, मुझे रखा गया, क्योंकि मैं इस तरह का पढ़ाई किया हूँ तो मुझे रखा गया भाई कि साइन लैंग्वेज पर काम करेंगे। ठीक है, मैं साइन लैंग्वेज पढ़ने भी जाता था, मैं पढ़ने जाता था, मैसूर से बैंगलोर जाता था, उसमें पढ़ाई होता था, पढ़ने गया मैं 6 महीना, एक साथ साइन लैंग्वेज का डिप्लोमा कोर्स भी किया, लगभग मैं 2 साल गया पढ़ने, लेकिन मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो क्लास में प्रैक्टिस कराया जाता था उतना करता था, उसके बाद नहीं आता था, क्योंकि वो जो मैं पढ़ा हूँ किताब में या जो सिखाया जाता है वो कहाँ एप्लीकेबल होगा, मैं अप्लाई नहीं करता था। ऐसे करके मैं बहुत परेशान रहता था कि मुझे साइन लैंग्वेज उतना स्पीडली नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन सा वर्ड आ रहा है। तो मैं काम क्या किया, किसी ने बोला कि आप इन बच्चों जो देव बच्चे हैं आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ टाइम दीजिए। तो जब मैं बच्चों के साथ बैठा तो उनका जो प्रॉब्लम्स है वो समझ में आया, प्लस उनका भाषा मुझे समझ में आने लगा। मुझे अब साइन लैंग्वेज की डिक्शनरी पर और टीचर पर डिपेंड होने का जरूरत नहीं। जैसे आप स्कूल में लैंग्वेज सीखते हैं, जब दो बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं तो एक बच्चा दूसरे का भाषा सीखता है, भाषा के साथ व्यवहार सीखता है, उसी तरह मैं साइन लैंग्वेज उनके उनके साथ बैठने लगा, उनके घर जाने लगा, उनके साथ पूरा फ्रेंडशिप कर लिया, घुल मिल गया बच्चों के साथ। तो मेरा साइन लैंग्वेज का जो एक्विजिशन था, जो सीखने का क्षमता था, वो तेज भी हुआ, बात भी समझ में आने लगा। और आज ये स्थिति है त्रिपुरा राज्य में कि कोई डेफ बच्चे का प्रॉब्लम आता है तो मुझे बुलाया जाता है। मैं साइन लैंग्वेज में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से पीएचडी कर रहा हूँ, मेरा टॉपिक है वेरिएशन इन इंडियन साइन लैंग्वेज, कि भारतीय सांकेतिक भाषा में जो विभिन्नता है उस टॉपिक पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। बाय द वे अभी तक मैं पीएचडी अपना नहीं, थीसिस नहीं जमा पाया, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम का अभाव है, मैं भारत के दूसरे कोने में हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ मैसूर के सबमिट करूँ। तो मैं कहने का मतलब, मेरा ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज जाना जरूरी है। आप जब प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे तो आप सभी चीज का आंसर जो जवाब है बहुत अच्छा दे सकते हैं। जवाब आप खुद अपना दीजिए, किताब पर डिपेंड मत होइए। इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाना चाहिए, इनकी क्या हो सकता है, जब आप इनके साथ जैसे जैसे अपने छोटे भाई या आपके छोटे भाई बहन से पूछा जाए इसका क्या आदत है, तो आप फटाक से बता देते हैं इसका आदत ये है, या इसको क्या पसंद है, इंग्लिश हिंदी मैथ इसको क्या पसंद है, आप बता देते हैं इसका मैथ बहुत अच्छा है। इसी तरह जब आप विजुअल इंपेयरमेंट बच्चों के साथ रहेंगे तो इनका भाषा भी समझेंगे, व्यवहार भी समझेंगे, इनको क्या पढ़ना चाहिए ये भी आप समझेंगे, इनको कैसे पढ़ाना ये भी समझेंगे, आप अच्छे से समझेंगे। लेकिन आप सोचिए कि हम क्लासरूम में बैठकर किताब में पढ़कर हम जाकर इन बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल अपना बढ़ाने के लिए इन बच्चों के साथ रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं जो कि आज नागेश पांडे जी इतना क्या बोलते हैं, इतना स्वेच्छा से और इतना प्यार से मुझे ये टॉपिक दिया है, मैं इनका पूरा पूरा धन्यवाद देता हूँ। सर आपने मुझे याद किया, क्योंकि मैं आपका कंटिन्यूस ये प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने हमारे मित्र मंडली हैं, जितने हमारे टीचर्स लोग हैं, जितने हमारे प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता रहता हूँ तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है पढ़ने पढ़ाने का, लेकिन ये COVID-19 का एक देन है कि जो वेबिनार शुरू हुआ ऑनलाइन, जो आप लोग टीचिंग दे रहे हैं, इससे हम लोग भी, मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ, आप यूपी में, हम दोनों लोग आपस में जुड़ने का मौका मिल रहा है, और हमारे इन प्यारे बच्चों से, क्योंकि मैं टीचर्स डे पर सुना, 2-3 बच्चों का मैंने बात सुना था, कितना अच्छा अच्छा पोएम बोल रहे थे, कविता बोल रहे थे टीचर्स के बारे में, मैं उन बच्चों के लिए मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, मैं उन बच्चों के लिए लेक्चर दे रहा हूँ जो आज नागेश पांडे सर ने डिसाइड किया, दिस बात का साथ बौद्धिक अक्षम बालकों हेतु शिक्षण विधियां, इसमें आपने 2 टॉपिक दिया सर, विजुअली इम्पेयरमेंट बच्चों जो हैं, चिल्ड्रन विद विजुअली इम्पेयरमेंट विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों,
तो मैं बच्चों को यही बोलना चाहता हूँ, आज जैसे हमने हमारा स्पेशलाइजेशन है बीएड स्पेशल एजुकेशन एमआर, एमएड स्पेशल एजुकेशन एमआर, कि जो हमने एमएड किया है वो स्पेशलाइज मेंटल रिटार्डेशन में, जिसको आजकल आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हो या बौद्धिक अक्षमता बोलते हो। कोई पढ़ा होगा विजुअल इम्पेयरमेंट में, कोई पढ़ा है मैं हियरिंग इम्पेयरमेंट में, लेकिन मैं बच्चों को बोलना ये चाहता हूँ, आज वो जमाना नहीं कि हम सिंगल डिसेबिलिटी पढ़े, या कोई बच्चा सिंगल डिसेबल्ड तो क्या मिलता है, सिंगल डिसेबल का मतलब जो बच्चा एक विकलांगता से ग्रसित है। आज के समय में ये बताना बड़ा मुश्किल है कि ये बच्चा सिर्फ विजुअल इम्पेयरमेंट है। आज के समय में एक बच्चा एक से ज्यादा विकलांगता रखता है। आपको ऐसा भी टीचर भी बनना है, क्योंकि मान लीजिए आप विजुअल इम्पेयरमेंट की पढ़ाई किए हैं, डीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई पढ़ के गए, आपका स्कूल में नौकरी मिल गया, कोई जरूरी नहीं है कि आपको वीआई बच्चा मिलेगा, या जिस क्षेत्र में आपका अपॉइंटमेंट होता है, जिस ब्लॉक में होता है, जिस जिला में होता है, कोई जरूरी नहीं है आपको विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा पढ़ाने के मिलेगा। हो सकता है विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे के जगह एचआई बच्चा आ जाए, इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा आ जाए, आर्टिज्म बच्चा आ जाए, और भी तरह के लर्निंग डिसेबिलिटी टाइप, आजकल लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत कॉमन डिसेबिलिटी हो रही है, इस तरह का बच्चा आ जाए, फिजिकली चैलेंज बच्चा आ जाए, तो आप कैसे मैनेज करोगे, आप कैसे इन चीजों को मैनेज करेंगे। सिर्फ ये टॉपिक पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल ज्यादातर बच्चे एक से ज्यादा विकलांगता से ग्रसित आ रहे हैं, चाहे आपके सेंटर में ट्रीटमेंट के लिए आते हों, चाहे ऐसे आप स्कूल में पढ़ने के लिए आते हों। तो आप बच्चों को मैं बोलूंगा कि आप सिर्फ अपने सब्जेक्ट जो स्पेशलाइजेशन है उसके साथ साथ ये सब भी बातें आपको जानना है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे कैसे होते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे कैसे होते हैं, इनका भाषा क्या होता है। आप विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों को पढ़ाने के लिए, दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रेल यूज करते हैं, या लो विजन बच्चा है तो उसको आप तरह तरह का टेक्निक यूज करते हैं पढ़ाने के लिए। मान लीजिए विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चों के जगह विजुअल इम्पेयरमेंट विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा आ जाए, तो आप क्या करेंगे। अभी तो जैसे नागेश्वर ने हमको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जोड़ दिया, मेरे लिए दिया, लेकिन मान लीजिए आपको पढ़ाना हो दृष्टिबाधित बच्चों के साथ सांकेतिक बच्चों को, तो आपको साइन लैंग्वेज भी जानना जरूरी है, मुझे ब्रेल भी जानना जरूरी है। मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे अगर ब्रेल नहीं मालूम है तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, चाहे आपको ट्रेनिंग देना हो, चाहे हमको ऐसा विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चा आ जाएगा तो हम कैसे पढ़ाएंगे। तो आपको हर फील्ड में एक्सपर्ट होना है, आपको हर चीज का नॉलेज मिनिमम कम से कम रखना है, कि मान लीजिए आपके पास विजुअल इम्पेयरमेंट विद आर्टिज्म बच्चा आ जाए, स्वलीन बच्चा आ जाए, तो आप क्या करेंगे, उनको कैसे पढ़ाएंगे, स्वलीन बच्चों का लक्षण क्या होता है। तो ये सभी चीज का जानना जरूरी है, जैसा कि मेरा नॉलेज है, मैंने पढ़ा है, और ये मैं आपका बताऊं मल्टीपल डिसेबिलिटी। अच्छा, जो ये बच्चा जो एक से ज्यादा अगर दिव्यांगजन बच्चा है, एक के साथ दिव्यांगजन बच्चा है, उसको दो हो सकता है, तीन भी प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे बच्चों को हम बहु विकलांग बच्चे बोलते हैं, बहु विकलांग दिव्यांगजन बच्चे बोलते हैं, जो कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, आज वहाँ पढ़ाई होता है, 2005 में यह नेशनल इंस्टीट्यूट खुला था, चेन्नई में है। तो इस जो दिव्यांगजन जो बहुत विकलांग बच्चे हैं उस पर ये काम कर रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट है। अगर आप लोग को टाइम मिले बच्चों को, मैं बोलूंगा कि वेबसाइट ओपन करके उस इंस्टीट्यूट के बारे में जाने, और आगे पढ़ाई करने का इसमें मन है, दिलचस्पी है, या कभी आपके सर जो हैं दीपक सर, नागेश सर, और भी जितने आपका सर लोग हैं, और वहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं हिंदी बेल्ट में, आपका मोहन रोड पे, लखनऊ में, सीतापुर में, बाराबंकी में, बहुत ज्यादा रायबरेली में सब संस्थाएं चल रही हैं, कानपुर में। अगर आप लोग को एजुकेशनल टूर में जाना हो, शैक्षणिक भ्रमण पर जाना हो, तो आप जरूर चेन्नई जाइए, बहुत अच्छा वहाँ का गेस्ट हाउस है, बहुत अच्छा वहाँ पर कल्चर है, बहुत अच्छा वहाँ सर्विस होता है, बहुत अच्छा ओपीडी है, तो आप लोग को वहाँ रहने का भी कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस वहाँ का जो ओपीडी होता है, जो ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट होता है, आपको देखने का बहुत मौका मिलेगा, बहुत बड़ा आपको वहाँ एक्सपोजर मिलेगा। मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से कहूँगा कि आप लोग कभी भी अगर शैक्षणिक
भ्रमण बनाए, एजुकेशनल टूर बनाए, तो आप चेन्नई बहुविकलांगता जो सेंटर है आप वहां पर जरूर जाए। तो और मेरा ये नॉलेज है बहुविकलांगता, कम से कम मेरे नॉलेज में एक दो बहुविकलांगता का केस नहीं है, एक दो बहुविकलांगता का कैटेगरी नहीं है, कम से कम 30 से ज्यादा कैटेगरी है, कम से कम 30 से ज्यादा कैटेगरी है। मैं कुछ आपको नाम गिनवा रहा हूं, जैसे डेफ ब्लाइंडनेस, डेफ भी बच्चा है ब्लाइंड भी बच्चा है। दूसरा कैटेगरी है सेरेब्रल पाल्सी विथ मेंटल रिटार्डेशन। आप मेंटल रिटार्डेशन को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलिए, क्योंकि मैं उस समय का पढ़ाई किया हूँ तो मेरे टाइम में ये होता था। आप सेरेब्रल पाल्सी विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलिए। विजुअल इंपेयरमेंट विथ ऑटिज्म है, हियरिंग इंपेयरमेंट विथ ऑटिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विथ विजुअल इंपेयरमेंट है, हियरिंग इंपेयरमेंट विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, हियरिंग इंपेयरमेंट विथ विजुअल इंपेयरमेंट, फिजिकली हैंडीकैप विथ विजुअल इंपेयरमेंट। ऐसे कुछ मैं एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहा हूँ। इस तरह का कम से कम 30 टाइप के बच्चे होंगे। आप जैसे मैं बोला विजुअल इंपेयरमेंट विथ ऑटिज्म, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ऑटिज्म विथ विजुअल इंपेयरमेंट। आप इसको ऐसे ऐसे भी बच्चे मिलेंगे आपको, हियरिंग इंपेयरमेंट विथ ऑटिज्म एक कैटेगरी हुआ, दूसरा कैटेगरी ऑटिज्म विथ हियरिंग इंपेयरमेंट। इसमें एक खास बात ये रखिए, जैसे कि सर ने हमको आज टॉपिक दिया विजुअल इंपेयरमेंट विद द इंटेलेक्चुअल डिसेबल, तो जो पहला टाइप का कैटेगरी है वो दूसरे जैसे दो डिसेबिलिटी, दो दिव्यांगजन एक एक बच्चे में रहता तो हम इसको बहुविकलांगता बोलते हैं। बहुविकलांगता में है कि विजुअल इंपेयरमेंट भी है और बौद्धिक अक्षम बच्चा है। तो जो हमारा पहला विजुअल इंपेयरमेंट है वो बौद्धिक अक्षम बच्चा पर भारी पड़ता है, मतलब ये कैटेगरी जो है उस बच्चे में ज्यादा देखने को मिलता है। विजुअल इंपेयरमेंट बच्चा है तो उसका फीचर विजुअल इंपेयरमेंट वाला ज्यादा होगा, दूसरा जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबल वो कम होगा। तो आप इनको इनके हिसाब से इसका लक्षण भी डिसाइड करेंगे, इनका लक्षण कैसा होगा। अगर विजुअल इंपेयरमेंट बच्चा है तो विजुअल का लक्षण होगा कि उसको दिखाई नहीं देगा, वो चल नहीं सकता है, वो क्या बोलते हैं कोई चीज टच करके ही जान सकता है। लेकिन साथ में इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा है, जो कि आप जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल बच्चों का आईक्यू कम होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों का आईक्यू लेस देन 70 होता, 70 के नीचे होता है। अगर विजुअल इंपेयरमेंट बच्चा है, ये बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, इनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, ये सामान्य काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, इनका पठन पाठन इनका मेमोरी बहुत तगड़ा होता, तेज होता है जनरली, लेकिन इनके साथ ये इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा लगा है तो इस कंडीशन में इसका आईक्यू कम होगा। और इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों का आईक्यू आप हमेशा जानते हैं कि लेस देन 70, तो वो जो मेमोरी क्षमता है इन बच्चों का कमजोर होगा, परसेप्शन कमजोर होगा, समझने बूझने का क्षमता कमजोर होगा। तो आप इन लक्षणों पर ध्यान देंगे, इनका चलने फिरने में प्रॉब्लम होगा, ओरिएंटेशन मोबिलिटी में प्रॉब्लम होगा, इनका सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। सोशलाइजेशन में से जैसे प्योर रूप से अगर विजुअल इंपेयरमेंट बच्चा है, बातचीत करने में बहुत होशियार होता है, आने जाने में कहीं अपना इंट्रेक्शन करने में कोई बात रखने में बहुत होशियार है, लेकिन जब इनके साथ ये लगा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा है, आईक्यू कमजोर है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों का सोशलाइजेशन कमजोर होता है, वो जल्दी बात नहीं कर पाते हैं, लिमिटेड बात करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो बात करेंगे उनका बात आपको समझ में आएगा, या पूरा पूरा शब्द का उच्चारण करेंगे, या शब्द का उच्चारण कर ले रहे हैं तो पूरा पूरा सेंटेंस का उच्चारण करेंगे, सेंटेंस बोल रहे हैं तो पूरा सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस में तीन चीज कॉमन है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस को बनाने के लिए तीन चीज का जरूरत पड़ता है, कोई जरूरी नहीं कि वो तीनों चीज यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या ग्रामेटिकल पैटर्न यूज कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो इन बच्चों का ये सब अफेक्टेड होने लगता है। साथ में इनको कोई सिंपल कंसेप्ट समझना, जनरली विजुअल इंपेयर बच्चों हर चीज को अच्छे से समझ, आप समझाने का कोशिश करें तो अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन जब ये प्रॉब्लम है इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबल है तो मुश्किल है कि आप कोई कंसेप्ट बता रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, कोई ओरिएंटेशन का बात बता रहा है, या कोई कंक्रीट चीज, अब्स्ट्रैक्ट चीज,
मतलब कोई आपने कहानी बताना शुरू किया कि मैं मुझे घर जाना है, घर जाकर मुझे ये करना है, या मार्केट मुझे जाना है, मुझे ये चीज खरीदारी करना है, जैसे आप बैठे बैठे आप कल्पना कर लेते हैं कि हम आपका प्लानिंग बन जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मैं ये बच्चे अपना प्लानिंग बना लेते होंगे। तो जब ये इस तरह का प्रॉब्लम जुड़ता है तो इस तरह, तो हम पहले इनके लक्षण को देखेंगे, इन बच्चों का लक्षण कैसा कैसा है। जब हम लक्षण को देखेंगे तो उसी हिसाब से हम इनका टीचिंग मेथड, लेसन प्लान भी तैयार करेंगे कि हम इन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, इन बच्चों का क्या मेथड होना चाहिए, इन बच्चों को किस विधि से हम पढ़ाएंगे कि आसानी से आ जाए। तो पहला बात कि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको ओरिएंटेशन और मोबिलिटी का नॉलेज, ब्रेल का नॉलेज, ये सब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। साथ में हम इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं, इनका टीचिंग मेथड होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब हम साधारण से जटिल की तरफ चलेंगे, या हम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट का मतलब है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे अभी हमें चाय बनाने का काम कर रहे हैं, ये चाय है, चीनी है, पानी है, ये गैस है, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। लेकिन अभी इन बच्चों को कहें कि थोड़ा आप इनका रिहर्सल ओरली रूप से बताइए, अब्स्ट्रैक्ट वन, जैसे आप कहानी बताते हैं, वो चीज इनको बताने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम सिंपल टू अब्स्ट्रैक्ट करते हैं। सिंपल में मतलब जैसे हम 5 रुपया देके या 10 रुपया देके बोलेंगे कि जाओ बिस्किट खरीद के लाओ दुकान से, बच्चे को दिया, हाँ 10 रुपया देके आए तो बार बार बिस्किट खरीद के ला रहा है, या हम 20 रुपया दिए तो ब्रेड मिल रहा है, 20 रुपये का ब्रेड लाया, या हम 35 रुपया किलो आलू मिल रहा है तो 35 रुपीज देकर हमने आलू लाया दिया, वो आलू लाता है। सपोज दैट आलू नहीं मिला उस दिन, तो आलू के जगह वो अपने मन से क्या टमाटर ला सकता है, या अपने मन से कोई दूसरी सब्जी ला सकता है। इस तरह का उनके साथ डिफिकल्टी होता है, प्रॉब्लम होता है। तो हम इस सब चीजों, मतलब कॉन्सेप्ट से अब्स्ट्रैक्ट, जो हम हकीकत में काम कराते हैं, खुद अपने से मैनेज कर सकता है, उतना थिंक कर सकता है। और ये सब बातों को, जैसे आपने कभी उसे ब्रेड मंगाया, कभी बिस्किट मंगाया, कभी आलू मंगाया पैसा देकर, और खुद ये काम कर रहा है, इन सब बातों को हम जनरलाइजेशन करते हैं, सामान्यकरण कहते हैं, कि बच्चा एक चीज को हमने प्रैक्टिस कराया, अब वो काम नहीं हुआ, उसको लगता है कि वो दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, जो चीजों को मैनेज कर रहा है, जिससे फायदा होता है, वो सामान्यकरण हुआ, जनरलाइजेशन हुआ, और वो उतना उसके अंदर वो क्षमता भी डेवलप हो गया है। तो हम इन इन जो जो एमआर बच्चों का कंसेप्ट है, कंसेप्ट टू कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। फिर हम बोलते हैं होल टू पार्ट। होल टू पार्ट मतलब हम बताते हैं ये मुंह है, पूरा मुंह है, मुंह तो बच्चा बता दिया पूरा मुंह है। अब उससे पूछा जाता है नाक कौन है, तो नाक के जगह आंख बताएगा, या मुंह के जगह इसको बोलता है मुंह है, तो ये कान कौन सा है। तो ये जो हमारा होल टू पार्ट है, इसका भी हमको नॉलेज देना है। तो इस तरह का जो एमआर बच्चों का कंसेप्ट है पढ़ाने का, हम उस चीज को आपको अच्छे से ये मालूम होना चाहिए। और मतलब हम कोई भी चीज पार्ट पार्ट में पढ़ाना है आपको, एक साथ सब कुछ नहीं बना, स्टेप वाइज पढ़ाना है, चैनल वाइज पढ़ाना। चैनल में भी एक फॉरवर्ड चेनिंग है, बैकवर्ड चेनिंग है। जैसे फॉरवर्ड चेनिंग है, मान लो आप शर्ट पहनते हो, कपड़ा पहनते हो, तो ये फॉरवर्ड चेनिंग है कि हम खूंटी पर कपड़ा है, कपड़ा लिया, एक हाथ डाला, दूसरा हाथ डाला, शरीर में डाला, पहना, बटन लगाया, ये वो। इसी तरह हम इसको निकालने का है, बैकवर्ड चेनिंग जिसको बोलते हैं। तो ये जो एमआर बच्चों को पढ़ाने का कंसेप्ट है, टीचिंग मेथड है, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। साथ में इनका कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, हो सकता है ये बच्चा एक जगह बैठ ना सकता हो, इसका कंसंट्रेशन नहीं होता है, ध्यान नहीं लगता है, यह चंचल है, या और भी कोई आदत हो सकता है। हो सकता है आपको मार दे, मतलब मारने में दो तरह का, या तो खुद को मार सकता है या आपको मार सकता है, सेल्फ, जिसको सेल्फ इंजरी बोलते हैं, या दूसरे को हर्ट कर सकता है। तो ये अगर उनके साथ कोई बिहेवियर भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको वो भी बात समझना है। हो सकता है आपके ऊपर थूक दे बात करते करते, लेकिन आपको ये सब चीजों को मैनेज करना, सिखाना, ये नहीं कि उसको आजादी देना कि वो बार बार उस बिहेवियर को रिपीट करता रहे, ये नहीं आपको सिखाना कि एमआर बच्चा है, इंटेलेक्चुअल चैलेंज बच्चा है तो ऐसा करता रहेगा। इन इन आदतों को घटाना है, सुधार करना है, जिसको आप बोलते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से टेक्निक होता है। अच्छे काम पर आप रिवार्ड दीजिए, शाबाशी दीजिए, शाबाशी भी कई ढंग का है आपका है,
बरवल साहब आसी है, मटेरियल शाबाशी है, प्रिविलेज शाबाशी है, बरवल में अच्छा काम करता है उसको बोल दिया शाबाश, वेरी गुड, एक्सलेंट, बरबल प्रिविलेज दे दीजिए, अच्छा काम करता है क्लासरूम का मॉनिटर बना दीजिए, या उस क्लास का आप बता दीजिए भाई ठीक है आप ध्यान रखिएगा, कोई इंफॉर्मेशन लीजिए, तो एक प्रिविलेज उसको दीजिए। मटेरियल में हो सकता है कि ठीक है भाई तुम ये काम कर लोगे तो हम तुमको ये सी चीज दूंगा, मटेरियल में मटेरियल का दीजिए, और क्या बोलते हैं मैकेनिक रिवार्ड भी होता है, डायनेमिक जिसको बोलते हैं कि आप ये काम कर लो तो हम टीवी देखने देंगे या गाड़ी चलाने देंगे या हम पार्क में झूला पर झुलाएंगे, तो जिसमें डायनेमिक चीजें हों, तो आप लोग को ये भी चीजें जानना है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको अगर इनका व्यवस्था करना है, मैनेजमेंट करना है, तो आप इनका प्रबंधन करना है, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, इन बच्चों को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो आप इन चीजों पर ध्यान विशेष रूप देंगे। ट्रेनिंग इन ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, इनका जो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी है आप इसका बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि बच्चा विजुअल इम्पेयरमेंट है, दृष्टिबाधित बच्चा है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी पर आप ध्यान दें। दूसरा सेंसरी ट्रेनिंग, सेंसरी ट्रेनिंग माने इनका सेंस है, जिसे कान से सुनता है, चीजों को समझता है, तो ये सब ट्रेनिंग आपको देना है, क्योंकि कान से तो बच्चा सुनता है आप जानते हैं कि विजुअल इम्पेयरमेंट सुनता है, लेकिन इसके साथ ये जो आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जोड़े हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं कि इनका जो IQ कमजोर होता है, सोशलाइजेशन कमजोर होता है, लैंग्वेज कमजोर होता है, कॉन्टेक्स्ट को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट सेंसरी ट्रेनिंग देकर जो आप इनका सेंसेस एक्टिव करेंगे, चीजों को समझने में मदद करेंगे। सेंसरी ट्रेनिंग के लिए आप ऑक्यूपेशनल OT के पास, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास आप ज्यादा उनसे मदद ले सकते हैं, वो इस चीज में बहुत सहयोग करते हैं, और तरह तरह का टेक्निक है सेंसेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए, आप उस उनसे ज्यादा मतलब आप नॉलेज लेकर, आप टीचर हैं ट्रेनिंग में, उनसे ज्यादा नॉलेज लेकर अपने चीज में उस चीज में आप परफेक्ट हो सकते हैं। डेली लिविंग स्किल ट्रेनिंग, डेली लिविंग स्किल ट्रेनिंग में है कि ये बच्चा कब खाएगा, कब सोएगा, नहाने का काम है, या जो भी उसका वातावरण है वो कैसे मेंटेन करता है, इस बात का बहुत अच्छे से समझ है। विजुअली इम्पेयरमेंट है जनरली वो अपना चीज कर लेते हैं, खाना है, नहाना है, क्लासरूम का क्लास का टाइम कब है, स्कूल कब जाना है, अपना एक्सरसाइज कैसे करना, ये बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हैं उनको डेली लिविंग स्किल नहीं, वो टॉयलेट जो है बेड पर कर देते हैं, या उनको मालूम नहीं है कि बाथरूम कब जाएंगे, या खाना खा रहे हैं तो खाना खाते ही रह जाएंगे, वो सब चीजों को आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाना, उस चीजों को आपको मेंटेन करना है, उनका नहाने का, उनका सेल्फ केयरिंग का, उनका सोने का टाइम, जागने का टाइम, जागने के बाद खुद जाकर बाथरूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, टॉयलेट कर सकते हैं कि नहीं, नहाने के बाद वो कपड़ा पहन ले रहे हैं, कपड़ा पहनने के बाद वो बटन बंद कर लेते हैं कि नहीं, अगर बटन बंद करने में भी समस्या आता है तो उसका भी उपाय है कि आप बटन वाले कपड़े न पहनाए, आप गंजी टाइप का या टी शर्ट टाइप का जिसमें कम से कम बटन हो, वो सब आप उनको ऐसा आप दे सकते हैं। अगर पैंट बंद करने में बंद हो रहा है, चेन बंद करने में बंद हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इस तरह के कपड़े दे सकते हैं जो लेस टाइप के कपड़े हैं, जो आप वो आसानी से वो पहन सकता है, आप उसमें दे सकते हैं। बहुत ज्यादा इस सब चीजों में उलझाने का जरूरत नहीं है इन बच्चों को, जो सुगम हो अच्छा हो। आप भी आप लोग देखा होगा जो जनरली कपड़े शरीर में फिट हो जाते हैं, आप लोग को एक अच्छा लगता है, एक अच्छा आभास होता है, साफ कपड़े का पहनने से अच्छा है कि आभास होता है, तो आप इन बातों को बच्चों को ट्रेनिंग देंगे कि ऐसा करना है, उनको सिर्फ नहाने धोने का नहीं, कपड़ा साफ करना, कपड़ा सुखाना, कपड़ा मेंटेन करना, कपड़ा आयरिंग करना, कपड़े को सही जगह रखना, और ये सब भी बातें आपको सिखाना है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना उनको आपको सिखाना है, पर्सनल हाइजीन का भी बहुत इंपॉर्टेंस, के बाल बढ़ गया, नाखून बढ़े हुए हैं, टॉयलेट ठीक से साफ कर रहा है कि नहीं, अपना हेल्थ हेल्थ को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट, हेल्थ मेंटेन करना बहुत चीज जरूरी है, तो आप उनके साथ साथ ये भी उनको ट्रेन करते रहेंगे, तो जिससे उनका जो डेली लिविंग स्टाइल है, स्किल है, ट्रेनिंग है, वो अच्छा सा अच्छा उनका बढ़िया होता रहेगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो दूसरे मन में भी आपका मन काम करने में और भी मन लगता है, आप ऐसे करेंगे। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, जैसे मैं अभी जिक्र किया, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में
ये बच्चा जो एमआर बच्चे होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे होते हैं, ये बिहेवियर में इनका बहुत सा बिहेवियर होता है, जैसे सर पटकना शुरू कर दिए, रिपीटेड बिहेवियर, या ऐसे ऐसे स्विंग कर रहे हैं कुर्सी पर बैठ, या किसी को ऊपर थूक दिया, या खुद अपना शरीर नोच लिया, हाँ, तो इस या दूसरे को मार देते हैं, या कोई चीज गुस्से में उठाकर पटक देते हैं, फेंक देते हैं, टीवी तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ दिया, लैपटॉप तोड़ दिया, या कोई एक चीज को देख रहे हैं, मोबाइल दे दिया तो मोबाइल छोड़ नहीं रहे हैं, या खाना खा रहे हैं तो खाना खाते जा रहे हैं, या बाथरूम गया तो अंदर से बाथरूम ही बंद किया हुआ है, नहाने के समय पर नहाने को तैयार नहीं है, तो बहुत तरह का प्रॉब्लम है इन बच्चों को, जो कि आप इनका बिहेवियर पर ध्यान देंगे, बिहेवियर डिसिप्लिन बिहेवियर होना चाहिए, आप जानते हैं अगर डिसिप्लिन बिहेवियर है, बिहेवियर अच्छा है, तो इन बच्चों को सीखने में कोई काम आप सिखाएंगे तो मदद मिलेगा। हो सकता है ये बच्चा कोई चीज पढ़ने लिखने में तैयार नहीं हो रहा है, तो आप उस पढ़ने लिखने को या कोई सिखाने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बताएंगे, इनको बच्चों को क्या रुचि है, किस चीज किस फील्ड में रुचि है, आप वो रुचि की भी बात बताएंगे, या क्या कहने पर क्या देने पर ये बच्चा खुश होता है, आप उनका खुशी ढूंढेंगे, आप उनको खुश रख के चीज सिखाएंगे, ये सब चीजें करेंगे आप, फिर इनको बच्चों को, और रिवार्ड रिवार्ड के बारे में ज्यादातर, कि ये बच्चा अच्छा काम करता था हम ये देंगे, उनको इस तरह का रिवार्ड देंगे, पनिशमेंट के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, पनिशमेंट के बारे में ज्यादा नहीं है, कि ये बच्चे हैं, बच्चों के साथ आप ऐसा अपना रिलेशन बनाइए जो पहले बात कि आपकी बात वो समझ सके, आप उनकी बात समझ सके, एक अच्छा टीचर का क्या होता है, अच्छा एक टीचर माँ बाप का दूसरा रूप है, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो लगता था ये प्रोफेसर ये सर बहुत अच्छा है, उनके क्लास में हम लोग स्वतः बैठे रहते थे और अच्छा पढ़ते थे, और उनके पेपर में मोर देन 70-80% नंबर आता था, अपने आप आता था, चाहे जितना डिफिकल्ट पेपर, जो हमको अच्छा टीचर लगता था उस टीचर में हमारा 70-80% के ऊपर नंबर 90% तक आ सकता है, एक अच्छे टीचर का, उस तरह इन बच्चों के साथ एक अच्छा टीचर बनिए, दोस्ताना व्यवहार करिए, इनके बड़े भाई जैसा बनिए, इनका 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 मतलब बात को आप अच्छे समझ सकें, और ये बच्चा भी अगर कोई पढ़ता है तो बताए, जैसे मेरा बच्चे मेरे सेंटर में आते हैं ओपीडी ट्रेनिंग के लिए, अगर इन बच्चों को कोई अगर घर में कुछ चीज नहीं मिलता है, या कोई प्रॉब्लम करता है, या कोई कंट्रोल होता है, तो मेरे पास बच्चे मैसेज भेजते हैं, मेरे पास नंबर है उन बच्चों का, कुछ भी उनको जो लिखना आता है कि प्लीज कम सर या गो सर, जो भी जितना भी वो इंग्लिश एक दो शब्द लिख लेते हैं, मैं उनकी बात समझ लेता हूँ कि ये बच्चा कुछ कहना चाहता है, मैं ऐसे बच्चों को मॉनिटरिंग करता हूँ, तो आप को भी बोलता हूँ कि आपका जो रिलेशन स्टूडेंट के साथ हो, मतलब ट्रेनिंग के साथ हो, आपका इतना अच्छा हो कि आपको बच्चा बात को शेयर करे बताए, रिलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इन बच्चों को आप बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे, ये बच्चे जब आपके पास आए तो लगे कि आपके बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं, आपको अपने माँ बाप जैसा समझ, टीचर के बाद पेरेंट्स के बाद तो टीचर होता है, तो आप उस वो चीज को विशेष रूप से ध्यान देंगे तो बहुत इजीली उनका बिहेवियर या उनका प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं, जब आप उनका मतलब, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम इनके माँ बाप समझते हैं, टीचर्स या कोई बाहरी रिलेटिव्स नहीं सोच पाता, नहीं देख पाता है, लेकिन आपको उस लेवल तक बच्चों को समझना है, अगर इन बच्चों को आपको आत्मनिर्भर बनाना है, आगे बढ़ाना है, तो सीखना है, उसी हिसाब से आपको वो ट्रेनिंग शुरू करना है, लेसन प्लान बनाना है, या इनका जो कोर्स करिकुलम बनाना है, या कंटेंट बनाना है, इनकी क्षमता को देख कर आप बनाएंगे, इनके व्यवहार को देख कर बनाएंगे, और इनके व्यवहार में देखते हैं कि बहुत हाइपर एक्टिव बच्चा है, तो हाइपर एक्टिव बच्चा को पहले उसका हाइपर एक्टिवनेस कम करेंगे, तब हम अपना जो गोल सिखाना चाहते हैं, काम कराना चाहते हैं, हम कराएंगे, तो हमको उस पर भी काम करना है, कि बहुत हाइपर एक्टिव बच्चा है, बहुत चंचल बच्चा है, तो बहुत चंचल बच्चा है तो उसका चंचलता आपको कम करना पड़ेगा, तब आप वो सब चीजें सिखा पाएंगे, तो बिहेवियर में बहुत सा प्रॉब्लम, बहुत तरह के बिहेवियर है जो कि आप उनको उनका बिहेवियर का परिमार्जन करेंगे और अपने गोल ओरिएंटेड उन बच्चों को बनाएंगे, जब गोल ओरिएंटेड बनाएंगे तो ये बच्चा बहुत आसानी से, बहुत इजी रूप से ये बच्चा आपका बात समझ सकता है, और आप उन बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपका मकसद ये होना चाहिए कि बच्चा को इंडिपेंडेंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है,
आपका मेन फोकस ये होना चाहिए, समाज के मुख्यधारा से जोड़ना है, बच्चे में सुधार होना, आप इन चीजों को रख के वैसा आप ट्रेनिंग देंगे, वो सब चीज सिखाते रहेंगे। इसके बाद है इन बच्चों को म्यूजिक थेरेपी दीजिए। मान ले बीआई बच्चा, इनको म्यूजिक से बहुत लगाव है, इन बच्चों को म्यूजिक से बहुत लगाव है, ऊपर से इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा का प्रॉब्लम है, तो जो बीआई बच्चे भी संगीत प्रेमी होते हैं और जनरली इंटेलेक्चुअल बच्चे भी को भी म्यूजिक बहुत पसंद है, तो आप इनको म्यूजिक थेरेपी देंगे। म्यूजिक थेरेपी देने से इनका जो माइंड का कंसंट्रेशन है, इनका जो चंचलता है और जो इनका लैंग्वेज प्रॉब्लम है, जैसे इनका लैंग्वेज बहुत डेवलप नहीं होता है, तो ये सब चीजें सीख कर ये ज्यादातर अपना लैंग्वेज डेवलप करेंगे, चीजों को आगे बढ़ाएंगे और ये इनका जो इनके डेवलपमेंट में म्यूजिक थेरेपी बहुत अच्छा रोल निभाता है। इसके साथ इन बच्चों का प्ले थेरेपी है, प्ले थेरेपी। मैं देखता था ब्लाइंड स्कूल मोहन रोड पर, ये बच्चे बहुत क्रिकेट खेलते थे, मैं भी बहुत ध्यान से देखता था ये बच्चे कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, साउंड वाला बाल होता था, पूरी टीम होती थी, मैं देखता था और बहुत अच्छे से देखते थे, टीम बनी रहती थी। और मैं ये भी एक बात नोटिस किया कि बहुत धूप है तो बच्चों को मालूम है बहुत धूप है, उनमें एक बच्चा मॉनिटर रहता था, वो आकर डांट रहा नहीं इतना इतना धूप में नहीं खेलना है। तो इनको बच्चों को टेम्परेचर का भी ज्ञान, आप क्रिकेट हो गया, बहुत सा इनका गेम होगा, चेस है, बहुत तरह के गेम है जो बच्चे को खेलना चाहिए, तो इनका मानसिक बौद्धिक क्षमता का विकास हो और ये समाज से जुड़ सके, इनका सोशलाइजेशन होता है। तो प्ले थेरेपी में आप जितना तरह का इनको गेम खिलाएं, खेलने दें, और इस फील्ड में भी अगर बच्चा आगे बढ़ रहा है, गेम में अगर करियर बनाना चाहता है तो गेम में आगे बढ़ने दें, गेम में ही बच्चा ये आगे जाएगा। तो इन बच्चों को इस फील्ड में भी आगे देने जाए, नहीं सिर्फ इनको समाज के मुख्य धारा में जुड़ने का मौका नहीं मिलता है, साथ में इनका एक करियर का भी विकास होता है गेम में। इसके बाद हम चलते हैं एक मल्टी सेंसरी अप्रोच। मल्टी सेंसरी अप्रोच में हर तरह के प्रोफेशनल के पास इन बच्चों का ट्रीटमेंट ले जाइए। आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी है तो ओटी जो प्रोफेशनल है वो सेंसेस का विकास करता है, सेंसरी इंटीग्रेशन पर काम करता है। फिजियोथेरेपी है, इन बच्चों का अगर कोई फिजिकली इनका चलने फिरने या बैलेंस बनाने में होता है, या फिजियोथेरेपी से इनका देने से कंसंट्रेशन में सुधार होता है, तो आप फिजियोथेरेपी देते जाइए, जिससे इनका कंसंट्रेशन में ज्यादा से ज्यादा सुधार होता है, फिजियोथेरेपी के जाइए। इसके साथ स्पीच थेरेपी के पास जाइए। स्पीच थेरेपी क्या है कि स्पीच थेरेपी देना चाहिए क्योंकि ये बच्चा इंटेलेक्चुअल है, तो नेचुरल से बात है कि इन बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल बच्चों का जो कम्युनिकेशन स्किल कमजोर होता है, वार्तालाप कमजोर होता है, बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते हैं, या आप इनकी बात नहीं उतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो स्पीच थेरेपी में देने से इनका बोलने का जो है वर्ड है सेंटेंस वो तो है ही है, साथ में कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन में तैयारी करवाइए, तरह तरह का आपका डायलॉग में तैयारी कराइए और बहुत तरह का एक्सरसाइज आप बनाइए जो इनको दीजिए। जो बच्चा ही बोलता है, मान लीजिए वर्ड लेवल पर प्रॉब्लम है या फोनेटिक्स लेवल पर प्रॉब्लम है, तो उनमें एक्सरसाइज दीजिए, फोनेटिक्स में स्वर स्वर में कैसे सुधार होगा, सेंटेंस का पैराग्राफ दीजिए, सेंटेंस पूरा बोल लेता है, पूरा कन्वर्सेशन नहीं कर पाता है, आप क्वेश्चन आंसरिंग करिए, क्वेश्चन आंसर में बताएगा, क्वेश्चन आंसर में सिर्फ जनरल नॉलेज, जनरल वार्तालाप नहीं होगा, जनरल नॉलेज भी देखिए, बच्चा से पूछिए तो वो जिस जो रेफरेंस में बात करता है ये मालूम हो जाएगा कि इसको कितना अवेयरनेस है उसके बारे में। आप पूछिए कि आपके कोई भी चीज कि आप ट्रेवल के बारे में पूछिए, कोई मार्केट के बारे में पूछिए, कोई आप कोई विवरण के बारे में पूछिए, तो बच्चा इंफॉर्मेशन देता है, या बच्चा को कहीं बाहर ले जाइए उससे पूछिए कि कैसा लगा, तो अपना अनुभव बच्चा एक्सप्रेस करेगा। तो इस तरह का आप कम्युनिकेशन को उनका स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। और बहुत सा भी दिए, जैसे ड्रामा भी दिए, ड्रामा में जैसे दो दो प्लेयर्स हैं, ड्रामा में एक दो करेक्टर हैं, एक करेक्टर कुछ बोलता है, दूसरा लाइन दूसरे करेक्टर को बोलना है, तो उस बच्चे को दूसरे करेक्टर में रखिए, उसका क्वेश्चन आंसर का जवाब देता रहे ड्रामा मेथड के द्वारा। तो बहुत सा ऐसा मेथड है कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने का, आगे बढ़ाने का, जिस पर आप। और दूसरी बात, साथ में अगर बच्चा को कुछ बोलता है, मान लो मिस्टेक से बोलता है, अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता है, पूरी बात नहीं बोल पाता है, या कुछ भी बोलता आधा
आधा बोलता है और पूरा, जैसे उसको खाना चाहिए तो खाना कहने के लिए वो पूरी बात नहीं बोलता, हमको खाना चाहिए, खाना में क्या चाहिए। हाँ, तो आपको पूरा बात सिखाना है। एक तो खाना उसको जो भी खाने में चाहिए और क्या खाना में चाहिए, ये भी बात है। बहुत बच्चे होते हैं प्लेट लाकर खड़े हो जाएंगे, ऐसा मैंने देखा कि प्लेट लाकर आगे खड़े हो गए। तो आप उनको सिखाइए, उन पर गुस्सा करने के बजाय उनको सही तरीके से खाना मांगना सिखाइए, खाने का टाइम सिखाइए, खाना के बाद बर्तन रखना बताइए, सब कुछ, मतलब एक सिस्टम से भरा, पूरे सिस्टम में चैनल वाइज बताइए, स्टेप बाय स्टेप बताइए। तो ऐसे बच्चों में ये सब चीज करने से मतलब उनका जो कन्वर्सेशन स्किल्स है, वर्क स्किल्स है, इसमें सुधार होता है। और स्पीच थेरेपी को हो गया, इसके बाद स्पेशल एजुकेशन है। स्पेशल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन बच्चों को लिखने पढ़ने के लिए। विजुअल इम्पेयर बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं लिखने पढ़ने में, बहुत हायर एजुकेशन भी लेते हैं, अच्छे अच्छे क्लास में भी जाते हैं, बहुत अच्छे इनका मार्किंग भी होता है, बहुत आजकल बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर विजुअल इम्पेयर बच्चे हैं, लेक्चरर हैं, बहुत सारे फील्ड में काम कर रहे हैं। और इनका इंग्लिश हिंदी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा नॉलेज होते हैं, मेरे बहुत से परिचित हैं जो लेक्चरर हैं विजुअल इम्पेयरमेंट, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए कि इनके साथ अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा है तो इनका स्पेशल एजुकेशन कैसा होगा, विशेष शिक्षा कैसा होगा, इनका ये कहाँ तक पढ़ सकते हैं, इनका किस दर्जा तक जा सकते हैं। तो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको दोनों फील्ड का तो एक्सपर्ट होना ही है, प्लस आप स्पेशल एजुकेशन में जो मेथड है, जो टेक्निक है, उससे पढ़ाइए। मान लीजिए इंटेलेक्चुअल बच्चा, इंटेलेक्चुअल बच्चा का जो जनरल नॉर्मल बच्चा है जो चौथी क्लास तक पढ़ सकता है, वो जनरली हम लोग का जो प्रैक्टिकली मानते हैं कि जो चौथी क्लास तक है वहां तक बच्चा जा सकता है। मैथ में जो डिफिकल्टी होता है या कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डिफिकल्टी होता है उस पर चेंज दीजिए ना कि, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आजकल इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा हाई स्कूल भी करता है। हाई स्कूल करने के लिए क्या, मैं आंध्र प्रदेश में था तो वहां पर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो सजेशन दिया था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को कि जैसे आप बच्चों को, हम नॉर्मल बच्चा तीन सब्जेक्ट में पेपर देने जाता है, हम गए इंग्लिश में दिए, संस्कृत में दिए, हिंदी में दिए, हाई स्कूल हमको अगर हम पास किए हैं तो इतना जरूरी नहीं है आप इंग्लिश में लीजिए, हिंदी में लीजिए, संस्कृत में लीजिए। उसका जो मदर टंग, जो बच्चा हिंदी में लिख पढ़ सकता है, जितना पढ़ता है, आप एक लैंग्वेज में उसका एग्जाम लीजिए। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि उसको खूब कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स का पेपर दीजिए, जैसा उसके लिए सिंपल सिंपल मैथ का दीजिए। कुछ चीजें वहां पर आपको उसको ऑप्शनल रखना पड़ेगा, या मैथ के जगह दूसरा सब्जेक्ट ले सकता आप, वो दीजिए, वो उसमें एग्जाम लीजिए। तीसरी बात, हमने एक और प्रावधान बनाया था, ये बच्चा अगर किसी पेपर में, किसी भी पेपर में 10% अगर मार्क्स पा जाता है, जैसे जनरली आपको पास करने के लिए 33% 35% 50% मार्क्स आते हैं पास होने, अगर ये बच्चा पेपर में 10% मार्क्स विद सपोर्ट ऑफ जो उनके साथ एक्सपर्ट हैं, उनको एक एक्सपर्ट भी दीजिए इन बच्चों को एग्जाम में, विद सपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट अगर ये बच्चा पेपर में 10% मार्क्स पाता है तो इनको पास कर दीजिए। मैं ये हाई स्कूल बच्चों का बात कर रहा हूँ जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हैं, आंध्रा गवर्नमेंट में मैंने ये सुझाव दिया था। इसके अलावा जो कापी चेक करेगा वो ये नहीं है कि बस हम 1 या 2 साल का अनुभवी या 3 साल का अनुभवी जो है टीचर लोग वो कापी चेक करें, कदापि नहीं, कम से कम इनका कापी चेक करने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस टीचर चाहिए, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस टीचर जो हो, वैसे बच्चों को इनका इनका कापी चेक करने दिया जाए, एग्जाम लेने दिया जाए। क्योंकि तो एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस टीचर होता है उनका एग्जाम लेने का तरीका और उनका जो मार्किंग का तरीका एक अलग होता है, बहुत सहज होता है, और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें लिखें और उनमें करेक्शन, इस तरह के चीजें आपको, इनका इवेल्युएशन एग्जाम लेते हैं तो उनमें इस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपका पेपर स्टाइल में ध्यान रखना पड़ेगा। पेपर आप क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, जैसा कि दीपक जायसवाल जी बोला कि हम क्वेश्चन पेपर बनाने में थोड़ा हमको अनुभव रहा है, जरूर मुझे अनुभव रहा है, NBR का बहुत अनुभव रहा, मैंने बहुत खुशी था कि मैं बहुत सा सब्जेक्ट का पेपर मैंने सेट किया, पूरे इंडिया में चलता था पेपर, जो काफी से बच्चे पास होते थे, और मेरा पेपर बनाने का जो लहजा होता है बहुत सिंपल होता है। मैं पेपर जो सेट करता हूँ वो तरीका होता है कि क्लास में सबसे कमजोर बच्चा कौन है,
क्लासरूम में सबसे कमजोर बच्चा कौन है, मैं उसको दिमाग में रखकर मैं पेपर सेट करता हूँ। और पेपर सेट करने का तीन मेरा तरीका था, स्पेशली 33%, 33% की सब लोग वो क्वेश्चन कर सके, कोई भी ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन को ना करे। अगला जो हमारा +33% होता था, वो क्वेश्चन का स्टाइल थोड़ा सा कठिन होता था, और अगला 33% जो होता था क्वेश्चन मेरा वो थोड़ा जटिल टाइप, एक दो क्वेश्चन मेरे थोड़े जटिल होते थे, लेकिन ओवरऑल मेरे जितने मीन्स 70% मेरे क्वेश्चन ऐसे होते थे जो इजीली इजीली हर बच्चे अटेम्प्ट कर सके, हर बच्चे कर सके। और क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बहुत कंफ्यूजिंग वाला नहीं होना चाहिए, या ऑप्शन दे रहे हैं तो बहुत पहेली जैसा ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत पहेली होता है, या दो आंसर कंफ्यूज करते हैं, ये भी आंसर हो सकता है वो भी आंसर हो सकता है, ऐसा नहीं देना चाहिए, जो क्लियर कट आंसर हो वैसा पूछना चाहिए। तो मैं ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट करता था, जो जनरली मेरे पेपर में ज्यादातर कमेंट्री पेपर होता था, मैं DA स्पेशल एजुकेशन MR का, मुझे याद है मैं ऐसा पेपर बनाया था जो काफी लोग पसंद करते थे। मैं कभी कभी टीचरों से मैं ऐसे छुपे रूम में पूछता था, ये पेपर है, ये पेपर है, कैसा देखने में लग रहा है, कैसा है, तो लोग बहुत अच्छा बोलते थे और मुझे देखकर स्माइल करते थे। वो ये नहीं बोलते थे सर आपका पेपर है, लेकिन ऐसा बोलते थे कि सर ये लग रहा आपका ये स्टाइल है। तो टीचर का स्टाइल बिल्कुल सरल सिंपल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, जो चाहे प्रश्न पत्रावली हो, चाहे आपका क्वेश्चन पेपर हो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे आपका भाषा हो, लैंग्वेज हो, सिंपल और मधुर हो, नागेश पांडे सर जैसा, और इफेक्टिव हो। इनका जो एड्रेसिंग कर रहे हैं इसमें वेबिनार में देख रहा हूँ, बिटिया रानी बुलाते हैं, ये बुलाते हैं, आप तो आधा ऐसे ही थी, बच्चों का दिल जीत लेते हैं। जो आपका जो एड्रेसिंग है उसमें एक आशीर्वाद भी छिपा है, एक अपनापन भी छिपा हुआ है, ऐसे टीचर से तो सभी बच्चा पढ़ना पसंद करेंगे। तो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, तो सम्मानित पूर्वक आप बुलाते हैं, चाहे आप हमें एड्रेस कर रहे हैं, चाहे बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं, चाहे दूसरे स्टाफ को एड्रेस कर रहे हैं, इस तरह का बहुत इफेक्टिव आप आपका लैंग्वेज होना चाहिए जो है। तो आप टीचर हो चाहे इन बच्चों को पढ़ाएं, आपके लैंग्वेज में भाषा में एक आकर्षण होना चाहिए कि जो बच्चे आपके पास घींचे चले हैं। और खास तो ये दिव्यांगजन बच्चे प्यार बहुत पसंद करते हैं, अपनापन बहुत खोजते हैं। हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं हमारे OPD में, जो मुझे आते हैं अपने घर में कहते हैं, तो उनको घर में अगर कुछ नहीं मिलता है या उनको लगता है कि कोई तकलीफ है, तो घर में बोलते हैं कि मैं बड़े साहब से बताऊंगा, मुझे बच्चे सब बोलते हैं, तो मुझे उनके पेरेंट्स फोन करते हैं या मिलते हैं तो बताते हैं। तो ये एक रिवार्ड के रूप में मुझे मिलता है। जनरली मैं OPD उतना नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन काम में रहता हूँ, मैं देखता हूँ, फीडबैक भी लेता हूँ, बच्चों से भी मिलता हूँ, उनकी समस्याएं जानता हूँ, मैं होम विजिट में भी जाता हूँ, कुछ बच्चे जो सीवियर केसेस हैं जो हमारे सेंटर में नहीं आ सकते हैं, और अभी मैं टेलीफोनिक फीडबैक लेता हूँ, मैं घर पर भी जाता हूँ, स्पेशली मैं उन बच्चों का ध्यान रखता हूँ जो 10 साल से छोटे हैं, अभी COVID-19 में उनका कैसा रख रखाव है, उनके बाप माँ बाप रख रखाव कैसा कर रहे हैं। तो मैं इस सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसा ध्यान रखें, ऐसे मतलब आप पढ़ाते रहें। आप लोग तो अपने फील्ड को वैसे भी बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन जैसा आपने ये टॉपिक दिया, आज असाइनमेंट दिया है, उस रेफरेंस पे बात कर रहा हूँ। और आपको एक बात और बताऊं, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, इन बच्चों का क्लासरूम में मूवमेंट अच्छा हो सके, ऑफिस में मूवमेंट अच्छा हो सके, टॉयलेट बाथरूम में मूवमेंट अच्छा हो सके, आप स्कूल वातावरण हो चाहे घर का वातावरण हो, उसमें ये बच्चे बहुत अच्छे से मतलब उस वातावरण में मूवमेंट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं ओरिएंटेशन और मोबिलिटी, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी सिखाने के लिए आपको जगह चाहिए, आपको एक अच्छा जगह चाहिए, स्मूथ जगह चाहिए जिस पर आप ओरिएंटेशन और मोबिलिटी सिखा सकते हैं, तो उतना साफ सुथरा जगह होना चाहिए, क्लासरूम अच्छा होना चाहिए, इजीली ये बच्चे क्लासरूम में आ सके, बैठ सके, ट्रेनिंग ले सके। तो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट आपको सुगम भारत और का जो नारा है ये ऐसा होना चाहिए, और ये सुगम भारत हर जगह सिर्फ क्लासरूम घर तक, घर के क्लासरूम में सिर्फ रैम का व्यवस्था या बिल्डिंग में रैम के व्यवस्था के साथ साथ हम लोग देखते हैं बस स्टाफ है, रेलवे
स्टेशन है, एयरपोर्ट है, अब हर जगह इनका सुविधा हो गया। तो आप लोग भी इजिली अब देखे, पहले हम लोग देखते थे बिल्डिंगों में जो हम लोग 1980 के टाइम में देखते थे, 1980-90 में देखते थे कि बिल्डिंगों, कुछ बिल्डिंगों में एक रैंप बना है, उसमें हम लोग स्कूटर या साइकिल चढ़ाया करते थे। लेकिन अब ये रैंप इतना ज्यादा फेमस हो गया, सुगम हो गया सबके लिए कि लोग इसमें चलना पसंद करते हैं। आप देखे होंगे हर बिल्डिंग में सीढ़ी के बगल में रैंप है, हर स्कूल, विद्यालय, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सीढ़ी के बगल में रैंप है, उसके अलावा लिफ्ट है। आजकल लिफ्ट का जमाना आ गया, लिफ्ट के अलावा एक्सीलरेटर का जमाना आ गया, तो इससे बहुत सुविधाएं, इजिली आदमी चला जाता है, सबको सुविधा होता है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने का सुविधा होता है, सेफ्टी रहता है। तो आप ये बैरियर फ्री इन्वायरमेंट का विशेष रूप से ध्यान, सिर्फ एटमोसफियर का ही ध्यान नहीं रखेंगे, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट आपका दिमाग में भी बनना है, आपका माइंड में भी बनना है। आप इन बच्चों को सहज रूप से समझें, एक्सेप्ट करें, और सिर्फ सिर्फ जो आपने हमको दिया है विजुअल इंपेयरमेंट विद इन बच्चे नहीं, पूरे हमने बताया मेरे नॉलेज के हिसाब से ऐसे इस तरह का कैटेगरी 30 से ज्यादा है, 30 से ज्यादा है। आपकी ड्यूटी, आपको नौकरी कहीं भी मिल सकता है, आपको अगर गांव में नियुक्त किया जाएगा, किसी स्कूल में नियुक्त किया जाएगा, या रास्ते में चल रहे हैं आप जानेंगे कि ये विशेष शिक्षा के टीचर हैं, विशेष शिक्षा के अध्यापक हैं, कोई भी पेरेंट्स पूछ सकता है, किसी दुकान पर भी आपको पूछ सकता है कि भाई हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम, हम क्या करें, कहाँ पढ़ेगा, क्या करेगा, इसका भविष्य कैसा होगा। तो ये सब चीज को आप जवाब देने के लिए तैयार रहिए, कहीं पर रहिए, इसलिए नहीं कि सिर्फ आपका ड्यूटी 10 से 4 हम स्कूल में बात करेंगे, आपके घर मोहल्ले में भी कोई ऐसा अगल बगल दिख सकता है या आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है। तो जो टीचर है, आप स्पेशल एजुकेटर हैं, विशेष शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक का मतलब आप हर फील्ड में एक्सपर्ट रहे, माहिर होइए, आपको हर चीजें आना चाहिए, सिर्फ ब्रेल नहीं, साइन लैंग्वेज भी आना चाहिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबल को भी आना चाहिए, थोड़ा मेडिकल का भी आपको नॉलेज होना, क्योंकि अभी अभी देखिए कुछ दिन पहले मेंटल हेल्थ पर लाइन शुरू हो गया है, जैसे कि बहुत ज्यादा मानसिक बीमारियां आ रही है, मानसिक प्रॉब्लम आ रहा है, स्ट्रेस का आ रहा है, डिप्रेशन का आ रहा है, अब ये भी कॉमन हो गया है। तो आप इनका भी निर्धारण के लिए आप ये सब बात बताएंगे, आपको पूरा हर तरह से आपको बैरियर फ्री, आपका नॉलेज भी होना, आप खुद बैरियर फ्री रहेंगे, या आपको जिस फील्ड में जहां पर भी जो भी काम दिया जाए आप सहज करेंगे और सरल भाव से करेंगे, आप उस तरह का रेडी होकर समाज में जाइए, स्पेशल स्कूल में जाइए, किसी संस्थान में जाइए काम कराने, कि आपको अगर किसी तरह का भी बच्चा मिलता है तो आप सबको हैंडल कर लेंगे। तो ये जो आज बहु विकलांगता का जमाना आ गया है, अब सिंगल विकलांगता का नहीं है, हम पढ़ाई करके बहुत पछताए, जब हम पढ़ने आए थे हमको विशेष शिक्षा मालूम हुआ, विशेष शिक्षा में हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कर लिया, मुझे लगा कि यही पढ़ाई बहुत अच्छा है बहुत, लेकिन इसमें तो बहुत सारा कोर्स है, बहुत सारा कोर्स है, आज हमको बहुत सारा कोर्स पढ़ने का मन करता है, हर फील्ड में फ्यूचर है, हर फील्ड में लाइफ है, बहुत अच्छा स्कोप है, और बहुत अच्छा, हर फील्ड में जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको काम करने का जो खुशी मिलेगा वो बहुत खुशी। तो आप जितना से जितना बातें ग्रहण कर लें, जितना से जितना नॉलेज ले लें, आप लोग लीजिए, और चाहे आप विजुअल इम्पेयरमेंट हो, चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो, चाहे हियरिंग का एक्सपर्ट हो, चाहे आर्टिजम का एक्सपर्ट हो, चाहे सर्वर पॉलिसी किसी फील्ड का हो, नॉलेज सबको रखिए, सब सब फील्ड का नॉलेज रखिए, फिजियोथेरेपी का भी रखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रखिए, स्पीच थेरेपी का रखिए, या आप अगर स्कूल में आपको नौकरी मिलेगा तो बोलेगा मेरा बच्चा तो बोल नहीं पाता है, तो क्या देना चाहिए, आप बोलेंगे स्पीच थेरेपी देना है, तो स्पीच थेरेपी आपको कैसे देना है, क्या देना है, ये भी जानना जरूरी है, हर स्पेशल एजुकेटर को जानना जरूरी है, ये नहीं कि उसके लिए एक स्पीच थेरेपिस्ट आप लाया जा, आप ला सकते हैं, धीरे धीरे व्यवस्था बना सकते हैं, धीरे धीरे अपना यूनिट डेवलप कर सकते हैं, मतलब स्कूल में क्या है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होना चाहिए, पहले तो स्कूल में सामान्य टीचर होते थे जो ये बच्चे पढ़ लिख नहीं, लेकिन अब बच्चों को, अब स्कूल का इंक्लूसिव सेटअप बना दिया गया है कि सामान्य बच्चों के साथ साथ ये दिव्यांगजन भी बच्चे पढ़ेंगे,
आपको दोनों फील्ड का नॉलेज होना। आपको पहले हर स्कूल में एक विशेष शिक्षक रखने के प्रावधान है, आप जाइए उस स्कूल को डेवलप करिए, अपने शिक्षा को डेवलप करिए, अपने कार्यों को डेवलप करिए, इस बच्चों का रख रखाव करिए, इस बच्चों का एक स्कोप बनाइए, धीरे धीरे अपना एक टीम बनाइए जो मल्टी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जैसे इन बच्चों पर ओटी भी काम करेगा, ऑक्यूपेशन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, विजुअल इंपेयरमेंट, जितना भी है। तो आप जाकर वहां पर ऐसा डेवलप करिए, वैसा सिस्टम बनाइए। बहुत से स्कूलों में मैं पाया, आंध्र आंध्र प्रदेश के बहुत से स्कूल में मैंने पाया है, सिर्फ वहाँ एक ही शिक्षक नहीं है, इसके साथ साथ और फिजियोथेरेपी का भी समस्या बच्चों में ज्यादा रहता है, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट भी स्कूल में नियुक्त हो गया है। आजकल एक साइकोलॉजिस्ट का समस्या, बच्चे ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं, इमोशनल डिसऑर्डर में होते हैं, तो उस तरह के भी टीचर रखे जा रहे हैं। तो आपको हर फील्ड में माहिर होना है, हर फील्ड का एक्सपर्ट होना है, आपको हर प्रोफेशनल से संबंध रखना है, नॉलेज रखना है, हर इंस्टीट्यूट के बारे में नॉलेज रखना है कि आपके भारतवर्ष में कितना इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, किस किस फील्ड में काम कर रहा है, कहाँ कहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, ये सब का भी जानकारी लेना है। मान लीजिए कि लखनऊ का कोई बच्चा है, वो दिल्ली में जाकर पढ़ना चाहता है, या आपका रायबरेली में जाकर पढ़ना चाहता है, या बनारस में जाकर पढ़ना चाहता है, या गाजीपुर में पढ़ना चाहता है, तो आपको अपने फील्ड में कहाँ कहाँ पर स्कूल है, कहाँ कहाँ पर इंस्टीट्यूट है, या दूसरे राज्य में कहाँ कहाँ पर इंस्टीट्यूट है, ये सभी टीचर लोग को जानना बहुत जरूरी है, इन बच्चों का जानना बहुत जरूरी है, कांटेक्ट नंबर जानना जरूरी है। जैसे आज देखिए वेबिनार के माध्यम से मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ, आप यूपी में हैं, लखनऊ में, मैं आपसे जुड़कर बात कर रहा हूँ, ऐसे तो हम मेरा शुरुआत मेरा लखनऊ से हुआ, शिक्षा दीक्षा जो भी मेरा, जैसा कि बोले आप हमारे सर, ये हमारा जो कार्य प्रणाली जो था, दीपक सर बोले कि लखनऊ से शुरू हुआ, सचमुच सर जो आपका टीचिंग पद्धति और टीचिंग स्टाइल में आप लोग से सीखा, आप लोग से जाना, और जो कि आप लोग बहुत एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में पढ़ाने का, आप लोग का भाषा लहजा, बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे कमांड किया जाए, फिर कैसे उनको बच्चों को आप समझाते थे, बुझाते थे, कैसे उन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होता था, कौन सा बात अच्छा है उन बच्चों का जिससे वो फ्यूचर जो अच्छे रास्ते पर बच्चे चले, उनको अच्छी अच्छी बातें बताते थे, ये सब चीजें आप लोग को जानना है, सब टेक्निक सब चीजें जानना है कि आपको ये चीज आसानी से आप मैनेज कर सके, और आप बच्चों का भी प्रॉब्लम सॉल्व करें, साथ में उनके अगर गार्जियन आते हैं, गार्जियन बहुत सा क्वेश्चन करेंगे कि मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा, कौन देखेगा, कौन रख रखाव करेगा, कौन खाना देगा, इनको कौन सा भत्ता मिलेगा, राज्य की क्या सहायता है, सेंट्रल केंद्रीय सरकार की क्या सहायता है, कौन सा स्कॉलरशिप है, कौन कौन सा छूट मिलता है, तो ये सब भी बातें आप लोग को जानना है, जरूरी है। तो आप ये सब चीजें करके एक टीचर जो है, आप इन बच्चों का जो आपने आज टॉपिक दिया विजुअली इम्पेयरमेंट, आपने दृष्टिबाधितता के साथ बौद्धिक अक्षम बालकों हेतु शिक्षण भी दिया, आप अगर ये सब बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से ये बच्चे समाज के मुख्य धारा से जुड़ेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे, इनका भविष्य उज्जवल होगा। तो मैं इसी के साथ सोच रहा हूँ कि जो आपने सर नागेश सर जी, जो थैंक आपने यू जो सर। आपने बहुत ही जो आपने सरल और बहुत ही सहज ढंग से आज आपने बात रखी। सबसे महत्वपूर्ण बात इस सेशन की यह रही, आपने आज हमें बौद्धिक अक्षम बालकों हेतु तो किन किन बिंदुओं पर पाक्षिक दृष्टि रखनी है, सिर्फ बौद्धिक अक्षमता को देख करके नहीं, बल्कि और किन किन पक्षों पर हमें विशेष ध्यान दे करके उस ओर बढ़ना है, तथा आपने जैसे बताया कि बालकों को बालक पहले समझा जाए, दिव्यांग बाद में समझा जाए, तत्पश्चात आपने अपने इस विशिष्ट उद्बोधन में हम लोगों को बताया कि किस तरीके की परिस्थितियां नॉर्थ ईस्ट में है, जहां पर साधन की संपन्नता नहीं है, ऐसी परिस्थितियों में कैसे कार्य किया जाए, इन समस्याओं से कैसे दो चार हुआ जाए और समाजोपयोगी बना जाए,
ऐसी उद्बोधन की आवश्यकता हमारे इस पटल को रहती है सर, और आज आपका यह उद्बोधन हमें मिला। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में एक डायरेक्टर हेतु, एक निदेशक हेतु एक घंटे का समय निकाल पाना मैं समझ रहा हूँ कितना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप आए और लंबे समय से टीचिंग का आपका ये जो कार्य है वो छुटा हुआ है, आप प्रशासनिक व्यवस्था में लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी आपने इतनी सहजतम भाषा, इतनी सरलतम भाषा, हम इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक मिनट मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे इस कड़ी में मुझे जोड़ा, मुझे कुछ बोलने का मौका मिला। उम्मीद है कि ऐसे भविष्य में आप लोग हमको जोड़ते रहेंगे और मुझे कुछ सीखने सिखाने का आप लोग को मौका मिलेगा। और मैं विशेष रूप से जितने हमारे प्यारे बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, जितने मेरे सहकर्मी भाई हैं, टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनको मैं बहुत विशेष धन्यवाद देता हूँ कि मेरी वाणी सुनने के लिए, मेरा सब्जेक्ट सुनने के लिए आप लोगों ने टाइम दिया और मेरे टॉपिक से आप लोग जुड़ा रहा, मेरे वेबिनार के लिए जुड़े रहे। हम सभी को और जितने हमारा ये हमारे इस वेबिनार के जितने संस्थाएं जुड़ी हैं और जितने भारतवर्ष के बच्चे जुड़े हैं या दूसरी संस्थाएं जुड़ी हैं, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें फिर किसी नए टॉपिक पर हमें असाइन करेंगे, कुछ बोलने का मौका देंगे। इसी के साथ मैं आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी प्यारी बिटिया तन्नू से निवेदन करूंगा कि आधिकारिक धन्यवाद ज्ञापन हेतु वो अपना माइक अनम्यूट करे, तन्नू वाजपेयी। और सर का आज के सेशन के लिए छात्रों के समूह से, छात्रों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करे, तन्नू वाजपेयी। यस सर जी बेटा बोले। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम लोगों को इसके बारे में जागरूक किया, इसके बारे में बताया कि कैसे दृष्टिबाधित है वो कैसे बौद्धिक अक्षम होकर भी कैसे मतलब उसको पढ़ाया जा सकता है, कैसे उसका प्रबंधन किया जा सकता है, आपने बहुत ही अच्छे से बताया। और सभी जितने भी मतलब जितने भी बच्चे हैं जो इसके बारे में सुन रहे थे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बिटिया रानी। सभी बच्चों से मैं कहूंगा वो तैयार रहा करें, स्वागत और धन्यवाद। मैं पहले से किसी को नहीं बताऊंगा, आपको ही करना है। अब आप इस बात को स्वीकार कर लें कि कार्यक्रम का संचालन और धन्यवाद ज्ञापन किसी ने किसी बेटे या बेटी को ही करना होगा। ठीक है, तो सभी लोग तैयार रहा करो। सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको पूरे पटल की तरफ से सादर प्रणाम सर, सभी लोगों को जो हमसे जुड़े रहे हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। विकास सर का धन्यवाद और दीपक सर का धन्यवाद, सीआरसी या पटना से जुड़े हुए हमारे छात्र छात्राएं अध्यापक वृंद उनका धन्यवाद, एनएबी अयोध्या से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं अध्यापकों का धन्यवाद, टीएसएम से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं और अध्यापकों का धन्यवाद, सीआरसी लखनऊ से जुड़े हुए सभी छात्रों का धन्यवाद, सभी टीसीटीबीएच के छात्र छात्राओं एवं हमारे टीसीटीबीएच परिवार के सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ संस्थाएं उत्तर प्रदेश की बाहर की है वो हमसे जुड़ी रही, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जिनका नाम मुझे याद था मैंने लिया, जिनका याद नहीं है उनको मैं बिना नाम के सादर प्रणाम करता हूँ, सादर धन्यवाद देता हूँ। सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं, सभी को सादर प्रणाम, सादर धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।